दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शानदार 3 मैच की ओडीआई सीरीज खेली जाने वाली है, जिसका पहला ओडीआई मैच हमें 17 मार्च को खेला जाएगा। तो इस ओडीआई मैच के लिए किस तरह से हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11, ये मैच कौन से ग्राउंड पर खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा, इस मैच की पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली, तो ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी क्रिकेट के बड़े वाले फैन हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की ओडीआई सीरीज का पहला ओडीआई मैच हमें 17 मार्च को खेला जाएगा। ये मैच हमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से देखने को मिलेगा। इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये पिच हमें बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिलेगा। इस पिच पर हाई स्कोरिंग देखने को मिलने वाला है। इस पिच पर ज्यादातर पेसर को विकेट मिलते हुए नजर आना है। इस पिच पर जो भी टॉस जीतेगा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ड्यू आने के ज्यादा चांस है, इसलिए जो भी टॉस जीतेगा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी। ये इस मैच की पिच रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला ओडीआई मैच खेला जाए, ओडीआई मैच के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फैमिली रीजन की वजह से पहला ओडीआई मैच नहीं खेल पाएगी, तो उनकी जगह पर भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या करेगी। तो उनकी अगुवाई में किस तरह से हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11, चलो जान लेते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओडीआई मैच के लिए भारत की तरफ से ओपनिंग कर सकते हैं शुभमन गिल के साथ ईशान किशन। नंबर 3 पर आएंगे विराट कोहली। नंबर 4 पर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल। नंबर 5 पर आएंगे सूर्य कुमार यादव। नंबर 6 पर आएंगे कप्तान हार्दिक पांड्या। नंबर 7 पर आएंगे रविंद्र जडेजा। नंबर 8 पर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर। नंबर 9 पर आएंगे मोहम्मद शमी। नंबर 10 पर आएंगे कुलदीप यादव। नंबर 11 पर आएंगे मोहम्मद सिराज। ये रहने वाले पहले ओडीआई मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है ये मैच कौन सी टीम जीत सकती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। वहीं आप आईपीएल और क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय।